श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ने अमृतसर में आज पत्रकार सम्मेलन के दौरान बेअदबी मामले में पंजाब सरकार की ओर से बनाई गई नई सिट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बेअदबी के संबंध में पहले FIR नंबर 63 में डेरा मुखी का नाम था, अब सच्चा सौदा मुखी का नाम चलान से निकाल दिया गया है। इसका उन्होंने विरोध जताया है। उन्होंने तमाम सिख संगठनों से इस संबंध में आवाज उठाने की अपील की और कहा कि श्री अकाल तख्त साहब की तरफ से 100 से ज्यादा सिख संगठनों की एक मीटिंग बुलाई जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीतिक पार्टियां बेअदबी मामले में सियासत कर रही हैं, कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को इस धार्मिक मुद्दे से दूर रहना चाहिए। उन्होंने डेरा मुखी को पंजाब में लाकर जांच करने की भी मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि बेअदबी मामले में अगर इंसाफ नहीं मिलता तो हमें इंसाफ लेना आता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिखों के लिए ये बेहद संवेदनशील मुद्दा है और इस पर राजनीति करना कतई उचित नहीं है। देखो, मैं हमेशा ये कहता आया कि गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दियाँ जड़ियाँ बेअदबियाँ का मसला है, वो बहुत ही सिखा वास्ते संवेदनशील मसला है। ये किसी किस्म की सियासत राजनीति जी है वो नहीं होनी चाहिए। दोषी जड़े है वो बेनकाब होने चाहिए ने। जदों बरगाड़ी की घटना वापरी, उस वक्त मैं बतौर हैड ग्रंथी श्री मुक्तसर साहब विखे सेवा निभाउंदा सी। असी भी बरगाड़ी पहुँचे से। जदों कोटकपुरे धरना लग्या, उस धरने दे विच भी मैं मौजूद सी। बहुत कुछ मैं अपनी अखां दे नाल वेख्या भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह दे ओ अंग जिहड़े बरगाड़ी दी गली दे विच खलारे गए सन, उहदी सपुरदगी उस वक्त जिहड़ी खटड़ा दी अगवाई दे विच सिट बनी सी, उहने श्री मुक्तसर साहिब श्री दरबार साहिब विखे उहनां अंगां नूं सुशोभित करवाया सी। उस वक्त मैं उत्थे मौजूद सी और असी ही उहनां अंगां दी सपुरदगी जिहड़ी आ उह प्राप्त कीती सी, बकायदा उहनां दी गिणती कीती सी। पहली सैट ने एक FIR दर्ज की सी जिहदा नंबर सी 63। उस 63 नंबर FIR दे विच जिथे महेंद्रपाल बिट्टू वर्गे दोषी करार दिते गए सी, उत्थे सौदा साध जिहड़ा है इस नूं भी जिहड़ा है FIR दे विच नामजद किया गया सी। ते इह जिहड़ी FIR सी, FIR नंबर 63, ये बिरज जवाहर सिंह वाला विखे जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी का सरूप जिहड़ा है ये शरारती अंसर लै गए सन, उस बारे से। उस तो बाद एक FIR जिहड़ी है FIR नंबर 128 ये दर्ज होई सी, जिहदे विच भी सौदे साध नूं जिहड़ा है वो शामिल किया सी। और हाई कोर्ट ने यह जिहड़े दोनों केस सी, चाहे वह बिरज जवाहर सिंह वाला केस सी, चाहे बरगाड़ी वाला सी, चाहे गुरुसर वाला सी, इन्हां सारे केसां नूं जिहड़ा सी वह एक समान जिहड़ा है वह दस्या सी कि ये सारे केस जिहड़े ने एक दूसरे नाल ही रिलेटड ने, सारे केस इकट्ठे समझे सी। और हैरानी की गल है कि परसों जिहड़ी FIR नंबर 128 दे तहत चलान पेश होया है, ये जिहड़ी सरकार वल्लों नवीं सिट बनी है, इन्हें चुप चपीते सौदे साध दा जिहड़ा नाम है उस FIR दे विचों बाहर कढ दिता है, जबकि 63 नंबर FIR दे विच उहदा नाम जिहड़ा शामिल है। तो हाई कोर्ट जिहड़ा है वह कहिंदी है कि बुरज जवाहर सिंह वाला केस तो बरगाड़ी वाला जिहड़ा कांड होया उहदा जिहड़ा केस है ये दोनों जिहड़े ने समानांतर ने, कोरलेटड ने। तो जे 63 नंबर FIR दे विच बाबे दा नाम जिहड़ा सौदे साध दा शामिल है, तो फिर FIR 128 तहत जिहड़ा चलान पेश कीता है नवीं सिट ने, उहदे विच सौदे साध नूं बाहर कर देना ये बहुत वड्डा शक पैदा करदा है। ये बहुत वड्डी सियासत हो रही है। असीं पहलां ही कह रहे हां कि इस मसले ते सियासत नहीं होनी चाहिए, दोषी बेनकाब होने चाहिए ने, दोषियों नूं सजावां दित्तियां जाणियां चाहीदियां ने, चुप चपीते जिहड़ा नाम क्यों बाहर कढ दिता गया कि 2022 दे विच जिहड़े इलैक्शन आ रहे ने उहनां दे विचों माइलेज लैणी है, क्यों कढ़िया नाम बाहर, ये एक बहुत वड्डा जिहड़ा है शक पैदा करता है।
और मैनू हैरानगी इस गल की भी है कि बेअदबी के मुद्दे के उत्ते जिहड़ियां पंथक धिरां ने कहिंदियां ने कि असीं पंथक धिरां हैं और बहुत वह धरने भी लाउंदियां ने मुजाहरे भी करदियां ने बहुत चंगी गल है और वह भी इस मुद्दे के उत्ते खामोश है। उन्हां दा एक बयान तक जिहड़ा है वह पढ़न नूं नहीं मिलिया, कोई सुनन नूं नहीं मिलिया। क्यों सौदे साहब का नाम जिहड़ा है परसों जिहड़ा चलान पेश किया है फरीदकोट के 128 नंबर एफ आई आर के संबंध के अखौती सौदे साध का जिहड़ा नाम जिहड़ा है वह बाहर क्यों कढ़िया गया। असीं तां इह मंग करदे हां कि जिहड़ा उत्थे जिहड़ी जेल 'च बंद है हरियाणे दी 'च उस हरियाणे दी जेल दे विच्चों इहनूं इत्थे लियांदा जाए पंजाब दे अंदर और इहदे तों बिल्कुल तफशीश जिहड़ी आ उह कीती जाए, इहतों पुछिया जाए इस तों सारा इस घटनाक्रम दे विच जो बरगाड़ी दे विच होया, जो बुरज जवाहर सिंह वालिया दे विच होया, इन्हां बारे सौदे साध तों पुछ होनी चाहीदी सी, पड़ताल होनी चाहीदी सी, सख्ती दे नाल पुछिया जाणा सी, उहनूं चाहीदा सी उहनूं पंजाब दे विच लिया के। पर कितने ना कितने ये बहुत वड्डी जिहड़ी है इहदे पिछे साजिश काम करदी नज़र आउंदी है। और मैं सिख जथेबंदियां जिहड़ियां पंथक जथेबंदियां उहनां नूं भी अपील करूँगा कि इस संबंध दे विच उह जरूर बोलण, जरूर विरोध करन, असीं उहनां दे नाल होवांगे। तो ये बहुत ही माड़ा जिहड़ा है परसों जिहड़ा नवीं सैट ने जिहड़ा चलान पेश कीता उहदे चों सौदे साध नूं बाहर कढ़ना साढ़े वास्ते बहुत जड़ा है वो एक दर्दमंद जड़ा है वो एक घटना है और शक पैदा कर रही है कितने कितने सरकारां दी नीत दे उते। इहदे च केंद्र सरकार भी जिहड़ी है वो इनवॉल्व हो सकती है। क्यों कढ़िया है उसका नाम? चाहिदा यह है कि सिट जिहड़ी है नवीं बनी ये सौदे साध नूं लिया के इत्थे सख्ती दे नाल पुछ करदी, पड़ताल करदी, क्योंकि धारा सॉरी 63 नंबर एफ आई आर दे विच उहदा नाम शामिल सी। तो जिन्हां बंदियां दा नाम जिहड़ा है शामिल सी 63 नंबर एफ आई आर दे विच उन्हां बाकियां तों पुछ पड़ताल की गई है तो सौदे साध तों पुछ पड़ताल क्यों नहीं की गई? पुछ पड़ताल करनी दूर, उहदा नाम जिहड़ा एफ आई आर दे विचों बाहर कढ दिता गया। इस संबंध दे विच परसों तख्त श्री दमदमा साहिब विखे असीं सिख जथेबंदियां दी एक मीटिंग भी बुलाई है जिहदे विच विश्व दियां कोई 100 दे करीब जथेबंदियां शामिल हो रही ने। असी उहनां जथेबंदियां दी मीटिंग दे विच भी ये मुद्दा जिहड़ा उठावांगे, असी चुप नहीं रहांगे। बिल्कुल जिहड़ा है असी बार बार श्री अकाल तख्त साहिब वल्लों भी कह रहे हैं, कहा है कि इन्हां बेअदबियां दे मुद्दियां दे उत्ते सियासत नहीं होनी चाहीदी। किड्डी कमाल दी गल है कि सियासत की जा रही है, राजनीति की जा रही है बेअदबी दे मसले दे उत्ते, और इस राजनीति नूं इस सियासत नूं जिहदा मकसद जिहड़ा है वह चोणां जितना ने विधानसभा दीआं, इहनूं हरगज़ जिहड़ा है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और असी किसी भी पार्टी नूं, चाहे वह अकाली दल है, चाहे वह कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, तो चाहे BJP, असी बेअदबी के मुद्दों के उत्ते किसी नूं सियासत करन दा जिहड़ा है मौका नहीं देंगे, सियासत नहीं करन देंगे। सियासत नहीं होनी चाहिए, ना किसी जथेबंदी नूं जिहड़ा सियासत करनी चाहिए है, ना पार्टियां नूं सियासत करनी चाहिए है, ना सरकारां नूं सियासत करनी चाहिए है। सिख इंसाफ मंगदे है और असी इंसाफ जिहड़ा है चाहुंदे आ कि इस बेअदबी के मसले के उत्ते इंसाफ होवे। तो जे इंसाफ नहीं मिलता तो असी आप भी इंसाफ लैण दे जिहड़ा है वह समर्थ हाँ। इस करके सरकार का फर्ज बनता है कि वह सौदे साध की जिहड़ी है वह पूरी तरह पुछ करे, पड़ताल करे कि तेरा नाम जिहड़ा 63 नंबर एफ आई आर दे विच दर्ज होया है जिहदे विच मिंदरपाल बिट्टू का जिहड़ा बयान लिखिया है जिहदे चों कहिंदा है कि पिता जी का हुक्म सी सानू ये काम करन दा, तो उहदा नाम बाहर कढ दित्ता। किड्डी हैरानी की गल है और शर्म वाली गल है साडे वास्ते, असी बोल ही नहीं रहे हैं, तो बोलना चाहिए। तो इस मसले के उत्ते मैं एक बार फिर कहांगा कि सियासत जिहड़ी है वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जे कोई सिखां दा हमदर्द है तो फिर वह सिखां नूं इंसाफ की गल करे। मैनू जापदा है कि यह 2022 का जिहड़ा इलैक्शन है उहदे विच ही माइलेज लैण दा जिहड़ा है एक तरीका हैगा, क्योंकि वह डेरे का एक वोट बैंक हैगा, उस वोट बैंक के उत्ते सारिया पार्टियां की नज़र हैगी है, तो सारिया पार्टियां उस वोट बैंक नूं कैश करना चाहुंदियां। पर मैं सिखां नूं अपील करना चाहांगा कि जिहड़ा भी बंदा इन वोट बैंक के लालच के विच आ के इस तरह की घटिया सियासत करदा उहदा उहदी मुखालफत जरूर कर। बिल्कुल, जिन्नियां जांचां होईयां सैट बनियां सारा कुछ होया, सब ने ही जिहड़ा है सानूं तां सब चों सियासत नज़र आई है, कोई सच तां सानूं किते लभिया नहीं है, दिसिया नहीं है।
तो एक ही मंदभागी गल है कि चुप चाप जाके जिहड़ा कल उहदा चलान पेश किया जाता तो उहदा ना ही गायब कर दिता जाता सौदे साध का। फिर जे ना वो शामिल नहीं सी फिर धारा जी 63 नंबर एफ आई आर है वो दर्ज होया महिंद्रपाल बिट्टू के जिहड़ा बयान के आधार के उत्ते ना जिहड़ा इहदा दर्ज होया सीगा ते इहनू चुप चपी ते बाहर कढ़न का कारण तो दस्या जाए सैट दसे तो सही कि इहदा ना असीं क्यों कढ़िया बाहर जनतक करे इस गल नूं कि इह सौदे साध का ना जिहड़ा 128 नंबर एफ आई आर के विचों चलान पेश करदे वक्त बाहर कढ़िया वो क्यों कढ़िया गया यह दसना चाहिए सैट नूं। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ।